हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारी सीएफ फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की मार्क्स ओरिएंटेड रिवीजन सीरीज में, जिसमें बढ़िया एक एक करके हम इंडेक्स पे इंडेक्स कवर करते जा रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में बड़े बड़े चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और अगले दिन सुबह 7:30 बजे लाइव यूट्यूब पर उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज इंडेक्स 33 अर्निंग पर शेयर की बात करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 बार पूछा गया स्टैंडर्ड इन द प्रीवियस 6 अटेम्प्ट्स, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। हालांकि नवंबर 22 में इसका क्वेश्चन आ चुका है, तो यू कुड से कि अरे वाह, हमारी ज्योतिष विद्या कहती है अब नहीं आएगा। 3 चैप्टर्स में इसका क्वेश्चन बनता है। पहला इंडेक्स 33 ईपीएस का पूरा क्वेश्चन, दूसरा बिजनेस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में हो सकता है कि कोई अमलगमेशन या पर्टिकुलरली रिवर्स एक्विजिशन के क्वेश्चन में ईपीएस निकालने को गए, और तीसरा कभी भी शेड्यूल 3 के क्वेश्चन में एसपीएल बनाने की रिक्वायरमेंट आए या कंसोलिडेशन में कंसोलिडेटेड पीओएल बनाने की रिक्वायरमेंट आए और लिखे प्रिपेयर एज पर शेड्यूल 3, तो ईपीएस डिस्क्लोज करना अनिवार्य। अर्निंग पर शेयर स्टैंडर्ड अपने आप में एक सिंपल बट बहुत सारे छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स का एक लेंथी स्टैंडर्ड है। इसे क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको सारे एडजस्टमेंट्स पता होना चाहिए और वो टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की बजाय एक एक एडजस्टमेंट का दिमाग में पहले कॉज एंड इफेक्ट समझोगे, जैसा आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय करते हैं। इसलिए रिवीजन में भी हमारा फोकस होगा कि हम इंडिविजुअल एडजस्टमेंट्स कैसे कैसे होते हैं उन पे फोकस करेंगे अलॉन्ग विद द ओवरऑल अप्रोच एंड क्वेश्चन आंसर सेशन सॉल्यूशन सीरीज में अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल है, अपने को सिर्फ 4 चीजें देखने की, एक तो एप्लीकेबिलिटी, दूसरा बेसिक ईपीएस, तीसरा डाइल्यूटेड ईपीएस और उसके बाद में डिस्क्लोजर। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो सारी एंटिटीज को ईपीएस डिस्क्लोज करना होता है। शेड्यूल 3 कहता है फेस पे करो, तो फेस पे करते हैं, तो ईपीएस डिस्क्लोज होते हैं बेसिक और डाइल्यूटेड। अगर आपके यहाँ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है तो टोटल आपके 6 ईपीएस हो जाएंगे। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ऑल ऑपरेशन, बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों 3-3। ये फॉर अ पीरियड होता है, इसलिए पीओरएल में डिस्क्लोज किया जाता है। डिस्क्लोज आपको ईपीएस जैसा इस इंडेक्स ने बताया वैसे ही करना है। इसके अलावा कोई ईपीएस आप डिस्क्लोज करना चाहते हो, जैसे कैश अर्निंग पर शेयर या कुछ, दैट इज ओनली इफ द इंडस्ट्री परमिट्स, एंड देन यू विल हैव टू डिस्क्लोज ऑल्सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स फॉर कैलकुलेटिंग दैट पर्टिकुलर ईपीएस। क्योंकि एक पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि अर्निंग पर शेयर जब हम निकालते हैं तो न्यूमरेटर में तो उस पीरियड की अर्निंग आएगी, डिनोमिनेटर में हमें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर्स लेना होंगे, जिसे हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं, इस इंडेक्स में ऑर्डिनरी शेयर्स कहते हैं। तो दो कंपनियों के प्रॉफिट एक समान है, पर पहली कंपनी के 100 इक्विटी शेयर थ्रू आउट द ईयर आउटस्टैंडिंग थे, दूसरी के 50 शुरू में और 50 साल के बीच में आए, तो डेफिनेटली दूसरी कंपनी का ईपीएस बेहतर आएगा, क्योंकि उसने कम समय तक लोगों का पैसा लगा के सिमिलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा के दिया। ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर बेस्ड होता है हमारा बेसिक ईपीएस। ऑर्डिनरी शेयर मोस्ट सबॉर्डिनेट कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, प्रेफरेंस शेयर ऑर्डिनरी नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास प्रेफरेंशियल डिविडेंड राइट्स होती है। ऑर्डिनरी शेयर अलग अलग क्लास के हो सकते हैं। इंडेक्स 33 बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों डिस्क्लोज करने की बात करता है। अगर आपके यहाँ कोई पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है तो ही डाइल्यूटेड ईपीएस डिस्क्लोज करने की जरूरत पड़ेगी। डिस्कंटिन्यूड हमने डिस्कस किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ज्यादा फोकस हमारा डिनोमिनेटर पे होगा, तो क्विकली न्यूमरेटर को पहले कवर करेंगे। न्यूमरेटर में आपको प्रॉफिट्स लेना है विच इज पी और एल, ओसीआई शामिल नहीं होगा, कोई भी रिजर्व्स के एडजस्टमेंट शामिल नहीं होंगे। ध्यान रखना अर्निंग पर शेयर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल अर्निंग पर शेयर, तो कंपनी के इस साल के प्रॉफिट 50 लाख है, उसमें से उन कंपनी ने 15 लाख स्टैच्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर किए, तो ईपीएस निकालने के लिए न्यूमरेटर में आप 50 लाख लोगे, ना कि 35 लाख। हमें डिस्ट्रीब्यूटेबल अर्निंग पर शेयर नहीं निकालना है, अर्निंग पर शेयर निकालना होती है। ईपीएस नेगेटिव होगा तो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मुद्दे की बात याद रखना, नेगेटिव ईपीएस में नॉर्मली बेसिक ईपीएस ही डाइल्यूटेड ईपीएस होता है, एग्जाम में आए तो सीधे लिख देना, वो लॉजिक क्या है आगे समझेंगे। ये सिर्फ डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है, कोई जर्नल एंट्री नहीं समझाएगा, सिर्फ डिस्क्लोजर। ईपीएस एक छोटा सा एक छुटकी रेशियो की कीमत हर वो बंदा जानता है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि कंपनी के शेयर की प्राइस ईपीएस इंटू पीई रेशियो पर बेस्ड हो, इस कारण से इसके लिए इतना लंबा चौड़ा स्टैंडर्ड दिया गया। शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट अपन ने डिस्कस कर ली। अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उस केस में आपको कंसोलिडेटेड लेवल पे भी ईपीएस डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और इस इंडेक्स के अनुसार डिस्क्लोज करिए और फॉर द पीरियड डिस्क्लोज। बेसिक ईपीएस में पहले न्यूमरेटर की बात करते हैं। न्यूमरेटर का
यहां पे हम एक्रोनिम यूज करेंगे पाउश, प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ये क्या है, सिंपल पीआरएल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठा लो और उसमें से वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो इक्विटी क्लासिफाई हुए होंगे जिस कारण से उससे रिलेटेड खर्चे पीआरएल में डेबिट नहीं हुए होंगे, जैसे कि इक्विटी क्लासिफाइड प्रेफरेंस शेयर। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि अगर प्रेफरेंस शेयर फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो हो सकता है कि उसके ऊपर दिया जा रहा पैसा इंटरेस्ट एक्सपेंस की तरह पीआरएल में ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप ले रहे हो उस पर वो ऑलरेडी डिडक्टेड है, तो फर्दर एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। पर अगर प्रेफरेंस शेयर आपके इक्विटी क्लासिफाई हुए हैं, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड बताएगा कब क्या होता है, तो हो सकता है उस पर आप जो डिविडेंड दे रहे हो, खासतौर पर अगर वो डिस्क्रिशनरी है, तो उस डिविडेंड को आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऑलरेडी डिडक्ट नहीं कर चुके हो क्योंकि वो रिजर्व से एडजस्ट होता है। हमें सिंपल सा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाना है और उसमें अदर देन ऑर्डिनरी शेयर कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो इक्विटी क्लासिफाई हुए हैं, मुद्दे की बात, तो उससे रिलेटेड हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी उन प्रॉफिट्स में से उस पार्टी या वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को जो शेयर देना है वो माइनस करना है, तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कहलाए। ध्यान रखना, अगर आपकी कंपनी में दो इक्विटी शेयर अलग अलग क्लास के, लेट्स से विद डिफरेंट डिविडेंड राइट्स और वोटिंग राइट्स, या एसआर स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स इशूड है, ये सब ऑर्डिनरी शेयर्स माने जाते हैं, इनमें आपको किसी को भी कोई डिविडेंड आपने दिया है तो माइनस करने की जरूरत नहीं। पर प्रेफरेंस शेयर के पास प्रेफरेंस होता है कि पहले उन्हें पैसा मिलेगा उसके बाद इक्विटी को मिलेगा, तो वो ऑर्डिनरी शेयर नहीं माने जाते, इसलिए उसका डिविडेंड माइनस करना होगा। तो सिंपल सा न्यूमरेटर का कैलकुलेशन है, प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स नेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड लेंगे, 99% केसेस में आपको बस इतने से काम हो जाता है। हमें क्या निकालना है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को जो अर्निंग उस पीरियड की बनती है, ना कि डिस्ट्रीब्यूटेबल अर्निंग। अगर आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हो तो क्वार्टरली बना रहे हो, तो उस क्वार्टर के आप प्रॉफिट्स लेंगे। ऑर्डिनरी शेयर की क्या परिभाषा है, ये मैंने आपको समझाया, प्रेफरेंस शेयर ऑर्डिनरी नहीं होते, पीआरएल लेंगे, पीआरएल में आफ्टर टैक्स प्रॉफिट लेंगे, कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूड ऑल है, तीनों है, तो तीन ईपीएस अलग अलग आएंगे। नॉर्मली अगर डिसकंटिन्यूड होते हैं तो आपके प्रॉफिट्स में बाइफर्गेशन करके बताना पड़ता है, अगर सिर्फ कंटिन्यूइंग है तो एक ईपीएस होगा क्योंकि कंटिन्यूइंग और ऑल सेम होंगे। अब एक बड़ा अच्छा और इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है, विच इज विद रिस्पेक्ट टू सर्टन एक्सपेंसेस, जो हो सकता है कि आपने पीआरएल से डेबिट नहीं, तो कोई खर्चा आपने डायरेक्टली सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से डेबिट कर दिया जो कि एज पर इंडेस पीआरएल से डेबिट होना चाहिए, तो फिर आपको उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना इरिस्पेक्टिव ऑफ योर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जैसे कि रिलायंस के केस में कुछ ऐसा हुआ था, लच्छे मैंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, हालांकि उसके केस में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं था, लॉस फ्रॉम गैस रिजर्व था, मैंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अब आज की तारीख में उसे डेफर नहीं कर सकते, इंटेंजिबल असेट नहीं मान सकते, पीआरएल में खर्चा बुक कर। सपोज मैं गवर्नमेंट से कोर्ट से ऑर्डर ले आया और ऑर्डर के अंतर्गत मुझे बोल दिया गया कि भैया मुझे इसे खर्चा बुक करने की जरूरत, डायरेक्टली टू पीआरएल, और मैं प्रीमियम से सेट ऑफ कर सकता हूँ। पहले कंपनीज एक्ट सेक्शन 52 परमिट भी करता था, इंडेज फॉलोइंग कंपनी को इंडेज फॉलो करना है तो सेक्शन 52 फॉलो नहीं करें। पर सपोज किसी कारण से मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इंडेज के अनुसार, तो वो खर्चा पीआरएल में बुक होना था। आपने कोर्ट का अप्रूवल लेके ट्रीटमेंट दे दिया, नो प्रॉब्लम, ईपीएस निकालते समय तो हाँ, तो प्रॉफिट में से जो चीज माइनस नहीं हुई है वो कौन सी माइनस होगी, तो एक प्रेफरेंस डिविडेंड ही होता है, एक 1% रेयर केस में हो सकता है कि कोई ऐसा खर्चा हो जो आपने माइनस किया नहीं है पर होना चाहिए था, उसे आप एडिशन माइनस कर दी। इससे आपका न्यूमरेटर आ जाएगा पाउश। पाउश के बारे में दो तीन बातें और करते हैं, प्रमाली प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे कोई भी डिविडेंड या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन या कुछ भी है जो पीआरएल में डेबिट नहीं हुआ है, तो वो आपको माइनस करना है। सिमिलरली अगर प्रेफरेंस शेयर डिस्काउंट पे रिडीम हो रहे हैं तो आप उसे एडबैक भी कर सकते हो, और प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं या प्रीमियम पे इशू हुए हैं देन इन दैट केस आपको कुछ और माइनस भी करना पड़ सकता है। ये प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। मैंने कोशिश की है दोस्तों आप लोगों के लिए प्रेफरेंस शेयर को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्यों, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। बेसिक ईपीएस के क्वेश्चन में एडजस्टमेंट प्रमाली दो में से एक आते हैं, या तो प्रेफरेंस शेयर या फिर बोनस। बहुत ध्यान से समझना प्रेफरेंस शेयर में क्या क्या पॉसिबिलिटी। हमारी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जो पेमेंट किया जा रहा है, हो सकता है वो इंटरेस्ट के नेचर का,
ये तौरबली तब होगा जब मैंडेटरली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे मैंडेटरी प्रेफरेंस डिविडेंड, इट इज लाइक अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो वो ऑलरेडी अपने प्रॉफिट से माइनस हो चुका है। पर अगर वो डिस्क्रिशनरी है तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्टैंडर्ड के तहत वो रिजर्व से एडजस्ट होगा, प्रॉफिट से माइनस नहीं होगा, तो उसे हमें रिड्यूस करना होगा पाउच निकालते समय, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस, यही नॉर्मली। के अलावा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर प्रीमियम पे। इंडेस कहता है कि अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है और प्रीमियम पे रिडीम होना है तो नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा और उस पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड लगा के आप जो प्रीमियम है उसे क्या कर रहे होगे, अमोर्टाइज कर रहे होगे ऐसे कॉस्ट। उस पर डिविडेंड डिस्क्रिशनरी हुआ तो वो रिजर्व से एडजस्ट होगा, पर प्रीमियम पे रिडीम करना मैंडेटरी है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी और अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड कहता है कि आज 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर रेज किया है और 5 साल बाद उसे 150 पे आप रिडीम करने वाले हो, मैंडेटरी है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, और आप एक ऐसा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालो जिससे आपका आज का 100 5 साल बाद 100, वो खर्चा प्योरल में बुक करो क्योंकि ये मैंडेटरी पेबल है, तो वो इस कैटेगरी का पार्ट हो गया जो ऑलरेडी माइनस हो रहा है उसमें फिर। और सपोज मैंने एक प्रेफरेंस शेयर इशू किया था 5 साल के लिए, रिडीमेबल कन्वर्टेबल क्लासिफाइबल एज इक्विटी था, 3 साल बाद मैंने उसका अर्ली रिडम्पशन कर दिया और 10% प्रीमियम पे किया, तो एकदम से लॉस हो गया, खर्चा हो गया। हो सकता है इस प्रीमियम को आप सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट कर लो एज पर कंपनीज एक्ट, वी डोंट नो, इन एनी केस उसे आपको यहाँ माइनस करना होगा। लॉजिक एक लाइन में बोलो तो लगता है प्रेफरेंस शेयर को आपने जो भी पैसा, जो पैसा उससे मिला है उससे ज़्यादा दिया, वो सब आपको इससे प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से, फिर भले ही वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे रिजर्व से एडजस्ट होता हो या कोई दूसरे प्रीमियम। तो इसलिए कहा गया है कि कोई भी शॉर्ट पेमेंट या एक्सेस पेमेंट टू और फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो वो भी प्रॉफिट से एडजस्ट किया जाएगा अगर वो ऑलरेडी पीआरएल का पार्ट नहीं है। जैसे 50 लाख का प्रीमेच्योर रिडीम किया 55 पे, तो 5 लाख रुपए आपको पाउच से रिड्यूस करना पड़ेंगे और जो बचा हुआ पैसा है वो आपका एट्रिबल प्रॉफिट। तो प्रेफरेंस शेयर की कैटेगरी के हिसाब से क्विकली समझा देता हूँ। प्रेफरेंस शेयर अगर मैंडेटरीली रिडीमेबल है तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, उसका डिविडेंड अगर मैंडेटरी है दोस्तों तो वो पीओएल में अदरवाइज डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से डिडक्ट हो चुका है, नहीं तो रिजर्व से माइनस हो। बेसिक ईपीएस जब कैलकुलेट करते हैं तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर में ऑब्वियसली बात है प्रेफरेंस शेयर नहीं आएंगे, और प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में अलग से हमें डिविडेंड अगर पे हुआ है तो माइनस करना पड़ेगा। होल्डर के पास अगर ऑप्शन टू रिडीम और कन्वर्ट होता है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है क्योंकि कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है, बच नहीं सकती है, तो ऊपर जैसा ही ट्रीटमेंट होगा जो ऊपर इसके आए। पर कंपनी के पास ऑप्शन है तो फिर वो इक्विटी हो जाएगा क्योंकि कंपनी का नॉट द लायबिलिटी। इन दिस पर्टिकुलर केस वो इक्विटी में क्लासिफाई हुआ होगा, तो उसका अगर कोई खर्चा आए तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक ईपीएस के डिनोमिनेटर में तो शामिल नहीं होगा ऑब्वियसली बात है, सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर आएंगे, पर न्यूमरेटर में हमें डिविडेंड हटाना पड़ेगा। मैंडेटरीली कन्वर्टेबल एज सच इस तरह का कुछ पर से इंडिया में होता नहीं है, बट ठीक है, नेवरदलेस उस केस में स्पेशल टॉपिक डिस्कस करें। क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव में सिंपल फंडा है, अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो उसका इस साल का डिविडेंड आपको माइनस करना है वेदर और पेड और नॉट। तो इस साल पे नहीं किया और अगले साल 2 साल का पे किया तो हम बेसिक ईपीएस निकालते समय न्यूमरेटर में इस साल का माइनस कर देंगे इस साल के प्रॉफिट से, और अगले साल भले ही 2 साल का पे होगा माइनस एक ही साल। और नॉन क्यूमुलेटिव है तो ऑब्वियसली बात है अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है या पे हुआ है तो भी माइनस होगा, अदरवाइज नहीं। प्रीमियम ऑन इशू और रिडम्पशन है, पहले से था तो फिर आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से उसे अदरवाइज एक्सपेंस बुक कर रहे होंगे पीआरएल में, तो वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट से माइनस हो गया, मस्त समृद्धि हुई। नॉट जस्ट दैट, आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आया, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए एक एग्जांपल भी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में 50,000 थे, इक्विटी शेयर्स 10,000, शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 ईच, 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थे 80,000 रुपये के जिसपे कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव है 10% है, तो आप 50,000 में से 8,000 तो माइनस कर ही देना। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है 12% के, कोई डिविडेंड पे नहीं हुआ है तो पे नहीं हुआ तो माइनस नहीं करेंगे क्योंकि अगले साल इन पे 2 साल का पे करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट हुआ है तो बांटने का, मतलब है जब बांटेंगे तो मिलेगा, नहीं बांटेंगे तो नहीं मिलेगा। क्वेश्चन साइलेंट है तो क्यूमुलेटिव अज्यूम करना एग्जाम। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 60,000 का 10% डिस्काउंट पे इशू किया है विच इज रिडीमेबल और कन्वर्टेबल एट पार आफ्टर 3 ईयर्स, तो ये रिडीमेबल या कन्वर्टेबल है दिया नहीं जाता है तो अपन मानते हैं होल्डर के ऑप्शन पे रिडीमेबल या कन्वर्टेबल होगा, तो इसे फाइनेंशियल लायबिलिटी क्लासिफाई किया होगा। पर इसका डिविडेंड अगर डिस्क्रिशनरी है, जो कि डिविडेंड नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर में कुछ कहा नहीं है, तो डिस्क्रिशनरी होता है, कंपनी इक्विटी पे बांटेगी तो इनको भी देगी, किसी को नहीं बांटेगी तो इसको भी नहीं मिलेगा। तो डिस्क्रिशनरी पेमेंट एज पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सारे रिजर्व से एडजस्ट होते हैं, भले ही फाइनेंशियल लायबिलिटी पर भी डिस्क्रिशनरी पेमेंट है तो रिजर्व से एडजस्ट। इस पर बोला गया डिविडेंड क्यूमुलेटिव है
और साल के बीच में शेयर इशू किए गए थे, तो अगर क्यूमुलेटिव है तो माइनस करना पड़ेगा। 60,000 पे 8% के हिसाब से 4,800 का डिविडेंड बनता है। आपको बोला है रेट सारे पर एनम है, तो इसको क्योंकि मिड ऑफ द ईयर इशू में है तो 6 महीने के लिए डिविडेंड मिलेगा, यानी इसका 2400 रुपीज़ का डिविडेंड आपको माइनस करना प्लस, क्योंकि आपने इसे डिस्काउंट पे इशू किया है 6,000 के, 6,000 रुपये का डिस्काउंट है और रिडीमेबल ये क्या है एट पार है, तो ये आपकी कमाई हो गई। इसे अब आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से आइडियली कैलकुलेट करोगे तो सही आएगा, पर अब वो कैलकुलेट करने की बजाय अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ ये 6,000 तीन साल में मुझे एलोकेट करना है, यानी 2,000 पर एनम, और इस साल क्योंकि 6 महीने ही हुए हैं तो इसका मतलब 1,000 की सेविंग है। तो आपका न्यूमरेटर आप निकालेंगे 50 - 8 - 2400 और 1,000 का डिस्काउंट ऑन, सॉरी डिस्काउंट ऑन इशू सेविंग नहीं है, खर्चा है, डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन होता तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 1,000 यहाँ पे और माइनस हो जाएगा, प्रीमियम ऑन इशू होता तो प्लस होता। तो इस तरह से ये आपका पाउच आएगा, विनॉस में सिर्फ ऑर्डनरी शेयर आएंगे, प्रेफरेंस नहीं, और इस तरह से बेसिक ईपीएस आएगा। ये पूरा डिस्कशन आपका बेसिक ईपीएस में प्रेफरेंस शेयर और न्यूमरेटर का कंप्लीट, ठीक है। तो ये एडिशनल रिटर्न और सेविंग कुछ भी है तो उसे एडजस्ट करना कंपलसरी इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब आते हैं सबसे लंबे डिस्कशन, इज डिनोमिनेटर। पहली चीज, डिनोमिनेटर बेसिक ईपीएस का लोगे तो वेटेड एवरेज ले, वेटेड एवरेज कैलकुलेट कैसे करना है वो आपके ऊपर है, वो मैं नहीं समझाऊंगा यहाँ पर, बट बेसिक लॉजिक ये है कि वेटेड एवरेज में जो शेयर जितने समय तक रहता है उतने समय तक ही कंसिडर किया जाता है, इसका एक एक्सेप्शन होता है बोनस शेयर वगैरह बाद में। तो अगर कंपनी के साल के शुरू में 1,00,000 शेयर थे, 3 महीने बाद 1,00,000 शेयर और आ गए, 3 महीने बाद 10,000 शेयर बायबैक हो गए, तो पहले 1,00,000 शेयर को 12 मंथ्स के लिए लो, उसके बाद जो 1,00,000 शेयर आए वो 9 मंथ्स के लिए लो, और उसके बाद जो 10,000 शेयर चले गए हैं 6 महीने बाद वो 6 महीने के लिए माइनस। या आप ये बैलेंस अप्रोच लगा सकते हो कि 1,00,000 शेयर 3 महीने तक रहे तो ×3/12, फिर 2,00,000 हो गए 3 महीने तक तो 2,00,000×3/12, फिर 1,90,000 हो गए 6 मंथ्स तक तो 1,90,000, राइट। दोनों में आंसर सेम आएगा, मैथ्स का यही जादू है, एक ही मंजिल पे पहुंचने के कई सारे रास्ते होते हैं, इसीलिए मैथ्स सबको पसंद, क्योंकि भैया सिंपल होना चाहिए ना, यहां जाना ये रास्ता खत्म। एनीवेज तो वेटेड एवरेज आपको निकालना जरूरी है, कोई भी शेयर ड्यूरिंग द ईयर इशू या बायबैक हुआ है तो अकॉर्डिंगली डिनोमिनेटर में प्लस माइनस। सिर्फ किसका वेटेड एवरेज लेना बेटा, ऑर्डिनरी शेयर्स का। कौन है ऑर्डिनरी शेयर जिनका रेसिडियल इंटरेस्ट है, मोस्ट सबॉर्डिनेट है, हो सकता है डिफरेंट डिविडेंड राइट्स हो, प्रेफरेंस शेयर ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं माने जाते, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स अपना यस। जब डाइल्यूटेड ईपीएस देखेंगे टाइम वेट आपको हो सकता है क्वेश्चन में शेयर्स की फेस वैल्यू और पेट। सिंपल फंडामेंटल सुन लो, ईपीएस अगर अलग अलग फेस वैल्यू या पेड ऑफ वैल्यू के शेयर है तो किसी भी एक पेड ऑफ वैल्यू पे निकाल के डिस्क्लोज, पर अगर अलग अलग डिविडेंड राइट्स या राइट्स वाले शेयर्स हैं या क्लास ऑफ शेयर्स है तो सबका अलग अलग ईपीएस बता, क्योंकि पेड अप अगर अलग अलग है तो समझदार होगा इतना तो हमारा इन्वेस्टर की वो समझ जाएगा कि भाई मेरा 10 रुपये का शेयर है फुल्ली पेड अप है, उस पर अगर ईपीएस 2 रुपये है तो जिसके पास 20 रुपये का फुल्ली पेड फेस वैल्यू का शेयर है उसका ईपीएस। तो डिफरेंट फेस वैल्यू या पेड अप वैल्यूज के केस में वी विल कैलकुलेट ओनली 1 सिंगल ईपीएस फॉर द इक्विटी। फिर डिसकंटिन्यूड और वो है तो अलग अलग, वो अलग बोल रहा हूँ, बट आई एम सेइंग कि मैं सिर्फ एक कैटेगरी ऑफ शेयर मान लूंगा उन सबको और ईपीएस। अब लॉजिकली इन सबको मुझे कन्वर्ट करना होगा एक कॉमन बेस पे, कैसे करेंगे आपके ऊपर है, बट लॉजिक ये है कि आप पेड अप वैल्यू के बेसिस पे कन्वर्जन करें। तो कंपनी के 2 शेयर हैं, 1 की फेस वैल्यू ₹10 फुल्ली पेड अप और 1 की फेस वैल्यू ₹20 पर 10 पेड अप है, तो आप मान लो कि सारे ही शेयर आपके 10 पेड अप ही, क्योंकि जब भी अर्निंग्स आगे जाके बटेगी तो पेड अप कैपिटल के रेशियो में बटेगी, क्योंकि डिविडेंड राइट्स आर इन द रेशियो ऑफ पेड। तो हमेशा ध्यान रखना हमें पेड अप वैल्यू से मतलब है, फेस वैल्यू से बहुत ज्यादा। तो हमें सारे शेयर्स को एक पेड अप वैल्यू पे लाना है, जिसका सबसे सिंपल तरीका होता है जितने शेयर्स आपको दिए ना हो सबका एक टेबल बना लो, जिसमें जो भी शेयर आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल अलग अलग फेस वैल्यू के 10, 20, 5 आपको सबके नंबर दिए होंगे, ये दिया होगा टाइम कब से इशू किया है, पीरियड कितने समय के लिए, पेड अप कितना है। तो आप तो क्या करो, टोटल पेड अप कैपिटल निकाल लो हर कैटेगरी का, सबसे सिंपल तरीका यही होता है। तो लेट्स से 100 शेयर है जो 12 महीने के लिए थे और पेड अप कैपिटल इस पे 10 है, यहाँ पे 100 शेयर और थे जिसपे पेड अप 15 है 12 महीने के लिए थे। लेट्स से यहाँ पे 500 शेयर हैं जिसपे पूरे 12 महीने के लिए थे और पेड अप मेरा 5।
तो आप क्या करो, पहले वाले में कितना पेडअप है 1000, दूसरे वाले में कितना पेडअप है 1500, तीसरे वाले में 2500, टोटल पेडअप कैपिटल आपकी कितनी आ गई 5000। इसको कन्वर्ट करना है लेट्स से 10 रुपये के शेयर में, तो दिस इज इक्वल टू 500 फुल्ली पेडअप शेयर्स ऑफ 10 ई। तो आपका बेसिक ईपीएस निकालने के लिए डिनोमिनेटर आ चुका है वो 500 है, और जो भी ईपीएस आएगा बता देना 10 रुपये पेडअप पे। अब इसमें कोई शेयर अगर 6 महीने के लिए इशू होता तो फिर उस केस में ऑब्वियस सी बात है कि हम क्या करते हैं, उसमें 6/12 का वेट दे देते, अकॉर्डिंगली हमारा ईपीएस चेंज हो जाता है। ये सिंपल सा तरीका होता है। सिमिलरली कोई शेयर हौले हौले पार्टली पेडअप से फुल्ली पेडअप हुए हैं तो वो सेम लॉजिक लगाना, तो 100 शेयर पे 5 रुपये पहले आए और 6 महीने बाद 5 आए, तो आप ये मानना 5 रुपये 6 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है, और बचे हुए 5 रुपये आने के बाद 10 रुपये का शेयर 6 महीने के। इसके क्वेश्चन नहीं करा रहा, बहुत ही बेसिक है ये, इसलिए कॉल्स एंड अरियर क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, बस सुन लो क्विकली। अगर शेयर में अरियर्स है और कंपनी अरियर वाले शेयर पे भी डिविडेंड बांटती है जितना पेडअप है उतने पे, तो उसे पार्टली पेड जैसा ट्रीट करना। पर अगर ऐसा नहीं है या क्वेश्चन साइलेंट है, तो जो शेयर्स इन कॉल्स इन अरियर्स है उन सारे शेयर्स को बेसिक ईपीएस के डिनोमिनेटर से पूरी तरह से हटा देना, बिकॉज दे विल नॉट बी एलिजिबल टू शेयर योर डिविडेंड्स। उनका अर्निंग में हिस्सा नहीं है जब तक वो अरियर पे नहीं करते। तो कंपनी के 1,00,000 शेयर में 1,000 रुपये अरियर है, आधा पैसा नहीं आया आधा आ गया, तो आप उसे आधा मत कंसिडर करना, आप उन 1,000 को पूरा हटा देना और 99,000 शेयर्स को डिनोमिनेटर में लेके बेसिक ईपीएस। नॉट मच ऑन दैट बिकॉज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। डिफरेंट डिविडेंड राइट्स हैं, तो फिर उस केस में आपको अलग अलग डिविडेंड राइट्स के शेयर पे अलग अलग ईपीएस सब पे निकालना पड़ेगा। और इसका सिंपल सा मैं आपको ट्रिक देता हूँ, वो ये, कंपनी में 2 क्लास ऑफ शेयर हैं, 1-1 लाख शेयर्स हैं, 10-10 की पेडअप वैल्यू है, और डिविडेंड राइट अगर एक में 1 रुपया है तो दूसरे में 2 रुपये टाइम से। तो आप सिंपली ये सोचना कि हमारी कंपनी के जो भी सेल पाउश आ रहा है प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, वो पूरे बांट देता तो किसे कितने, तो सर 1:2 के रेशियो में मिल जाते हैं। तो बस, तो अगर कंपनी ने इस साल 3 लाख कमाए तो 1 लाख और 2 लाख दोनों में बढ़े, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ वेटेड एवरेज शेयर्स ऑफ रिस्पेक्टिव कैटेगरी, और उससे दोनों का आपका बेसिक ईपीएस। तो हर क्लास ऑफ इक्विटी शेयर का अलग अलग बेसिक ईपीएस निकालना है, ये आपका लॉजिक। कई बार शेयर ऐसा होता है कैश की जगह कोई दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में इशू होते हैं, जैसे ईसॉप पे शेयर इशू किए, कोई बिजनेस खरीदा तो शेयर इशू किए, स्टफ लाइक दैट। तो अगर कैश के लिए दिया है तो जिस दिन आपकी कैश ड्यू हो गई उस दिन आप कंसिडर करोगे। ध्यान रखना अलॉटमेंट डेट से पहले कभी भी कंसिडर मत करना, क्योंकि तब तक शेयर सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव होती है, शेयर अलॉटमेंट जब तक नहीं होगा तब तक शेयर एग्जिस्टेंस में नहीं आएंगे। कई बार कन्वर्ट होते हैं प्रेफरेंस या डिबेंचर्स इक्विटी शेयर में, तो जो ड्यू डेट ऑफ कन्वर्जन है उस दिन से, यानी जिस दिन से ब्याज या प्रेफरेंस डिविडेंड उनके ऊपर एंटाइटलमेंट बंद हो गया उस दिन से इक्विटी शेयर हो गए, भले ही एक्चुअल इशू डेट 2, 5, 10, 15 दिन बाद की। एक्विजिशन ऑफ असेट में आप कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, नॉर्मली जब असेट आपका हैंड ओवर हो जाता है उस दिन आप क्या करते हैं, इक्विटी शेयर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन एक स्पेशल डिस्कशन है, इसको 103 में कवर किया जाता है। प्रोविजन फॉर सर्विस है, तो जब सर्विस रेंडर होगी उस समय अपन मानेंगे शेयर इशू। तो मैंने कहा कि भैया आप ऑडिट कर दो, मेरा बदले में आपको शेयर दे दूंगा और ऑडिट चलेगा क्या, अजीब सी बात है, बट इस केस में जब सर्विस मिलेगी तब मैं मानूंगा शेयर। लाइबिलिटी जैसी तरह से उस पर ब्याज या इंटाइटलमेंट सामने आ लेके खत्म हो जाएंगे उस दिन मानेंगे शेयर इशू हो गए, भले ही एक्चुअल इशू उससे थोड़ा पहले या बाद में हो। कंटिजेंटली इशूएबल शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है डायल्यूटेड ईपीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पे बेसिक और डायल्यूटेड दोनों के पॉइंट इसको समझेंगे। माल कमीशन एब्जॉर्प्शन आप बिजनेस कॉम्बिनेशन में देखेंगे, सिंपल फंडामेंटल आप ये समझ लो। अगर कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन है ना, तो आप ये मानना कि ए और बी की शादी हुई और लेट्स से माल कमीशन था, एक सी एंटिटी बन गई, और ये कॉमन कंट्रोल है, पहले भी ए और बी दोनों सेम पार्टी के कंट्रोल में थे, सासू मई सबको शुरू से कंट्रोल कर रही है, सब सोची समझी शादी। ऐसे केस में जब ए और बी मिलकर सी बन जाएंगे तो आप बेसिक ईपीएस निकालना, तो आप क्या करना, आप ए के भी साल भर के प्रॉफिट लेना, बी के भी लेना और सी के भी लेना। ऑब्वियस सी बात है ए और बी के एग्जिस्टेंस खत्म होने पर सी आएगी, तो पोस्ट पीरियड का सी का और प्री का ए और बी सबके प्रॉफिट ले लेना, और अब जो टोटल शेयर्स हैं वो साल भर के लिए आउटस्टैंडिंग मान लेना। लॉजिक क्या है, ये दो अलग अलग एंटिटी पर अब एक हो गई है, पर ये हमारे लिए शुरू से ही एक थी, कॉमन कंट्रोल का मतलब यही होता है सेम कंट्रोलिंग पार्टीज थी और अब एंटिटी कंबाइन हो गई। तो हमारे लिए यूजर्स को ये बताना कि भाई कंबाइन होने के बाद क्या ईपीएस कमाई इज यूजलेस, हमें ये बताना चाहिए कि भाई ये लोग इंडिविजुअली प्लस अब कलेक्टिवली साल भर में कितना कमा रहे हैं और आज जो शेयर्स हैं उसके हिसाब से इनको। और अगर कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन नहीं है तो फिर डेफिनेट सी बात है कि भैया ए ने लेट्स से फॉर एग्जांपल बी को एक्वायर कर लिया और सी कंपनी बन, या ए ने बी को एब्जॉर्ब कर लिया अपनी कंपनी, तो अब इसी बात है यहाँ पे ए के प्रॉफिट साल भर के आएंगे, बी के पोस्ट एक्विजिशन बाय ए के प्रॉफिट आ जाएंगे,
ए के जो एग्जिस्टिंग शेयर्स थे वो साल भर के लिए आएंगे, पर बी को जो शेयर हमने इशू किए हैं वो जिस दिन इशू किए उस दिन की तारीख से, यानी जिस दिन से उसके प्रॉफिट आ रहे हैं उस दिन की तारीख से नहीं जाएंगे। रिवर्स एक्विजिशन और ज्यादा मस्त होता है, बट दैट इज डिस्कस अंडर सेपरेटली अंडर दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स एंड ऑल। अब हियर कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स अभी अपन डाइल्यूटेड ईपीएस में देखेंगे। बेसिक ईपीएस का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बोनस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर के बाद बहुत ही सिंपल है। बोनस को आप मल्टीप्लीकेशन फैक्टर के थ्रू अकाउंट फॉर करना, कभी गलती नहीं किया एडजस्ट करना। इंडेक्स कहता है बोनस इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ शेयर्स, विच मीन्स वॉट शेयर, शेयर मतलब भाग और क्या। तो भाई एक चीज समझो, लेट्स से घर में कैडबरी बनी है 1 किलो की 1000 ग्राम्स, हमारे 10 भाइयों में बांटी जा रही है, टक 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 10 शेयर हो गए इसके, तो 100-100 ग्राम की हो गई। मैंने बोला कि यार खाने में दिक्कत आएगी, 100 ग्राम की, टक 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 टक। मैंने क्या किया, 10 बार की बजाय 20 बार बना दिया, इसे एक बार 50 ग्राम का हो गया और सबको 2-2 बार दे दी। एज सच ये स्प्लिट का एग्जाम्पल है, बोनस भी वही होता है। किसी कंपनी की नेटवर्थ है 100 करोड़ की, जिसे उसने बांट रखा है 1 करोड़ शेयर में। अब अगर वो कंपनी 1 करोड़ शेयर और छाप देती है तो उसकी नेटवर्थ नहीं बढ़ी उसके पास, क्योंकि नेटवर्थ होती है एसेट और लाइबिलिटी के आधार पे। तो शेयर और छाप देने से नेटवर्थ पे कोई बदलाव नहीं आया। तो पहले जो शेयर होल्डर के पास 1 शेयर था वो 2 हो गया, पर अर्निंग वहीं की वही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी अर्निंग आधी हो जाएगी। इसे डाइल्यूशन नहीं बोलेंगे क्योंकि अर्निंग आधी हो रही है, शेयर भी डबल हो रहा है। तो इस कारण से ऐसा कहते हैं कि जब भी कोई बोनस शेयर इशू आता है तो अपन ये नहीं मान सकते कि आज से नए शेयर इशू हुए। इंडेक्स टेक्निकल भाषा में बोलता है कि बोनस इशू इज बेसिकली शेयर्स इशूड फॉर नो कंसिडरेशन, एंड इन सच सिचुएशंस ईसॉप नो कंसिडरेशन नहीं होता है, ध्यान रखना, क्योंकि वहां पे हम एम्प्लॉय की सर्विस के बदले में उसको शेयर दे रहे हैं, तो इट इज नॉन कैश कंसिडरेशन, बट बोनस इज नो कंसिडरेशन। ऐसे केस में कुछ मत करो, कंपनी ने जो बोनस दिया है उससे आप अपने एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स जो डिनोमिनेटर में ले रहे थे उसको उत्ते गुना मल्टीप्लाई करो। 1:1 का बोनस आया है तो आप एग्जिस्टिंग डिनोमिनेटर, लेट्स से आपका साल के शुरू में 100 शेयर थे, साल के बीच में 100 और इशू किए तो एवरेज 150 आ रहा था, और साल के अंत पे सब पे 1:1 का बोनस आ गया, तो आप 150 को डबल करके 3। तो बोनस में हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के थ्रू आप बोनस को अकाउंट फॉर। प्लस इंडेक्स कहता है कि इस केस में आप प्रीवियस ईयर के भी ईपीएस को रिस्टेट करते हैं, क्योंकि कंपनी के आज शेयर डबल हो गए इसलिए नहीं क्योंकि पैसे लिए और शेयर इशू किए, इसलिए क्योंकि एक तरह से एग्जिस्टिंग शेयर को डबल कर दिया, नॉट बाय स्प्लिटिंग बट इशूइंग 1 एक्स्ट्रा शेयर फॉर एवरी शेयर। तो अगर आप प्रीवियस ईयर का ईपीएस रिस्टेट नहीं करोगे तो वो ज्यादा आएगा और अब इस साल का कम आएगा, पर ऐसा नहीं है कि पिछले साल अर्निंग पर शेयर ज्यादा थी, इज दैट कि शेयर्स कम थे और अब शेयर बढ़ गए, तो यूजर कन्फ्यूज ना हो, तो इसके लिए ये अप्रोच फॉलो की जाती है। इसलिए बोनस एक ऐसा केस है दोस्तों जहाँ पे रिस्टेटमेंट स्प्लिट पे भी यही लॉजिक लगेगा। राइट इशू एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, इंटर में आप पढ़ते थे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोनस कम कैश इशू। कॉम्बिनेशन क्यों है, कंपनी की 100 करोड़ की नेटवर्थ है और उसके 1 करोड़ शेयर्स हैं, 100 रुपए पर शेयर उसकी। अब वो 1 करोड़ शेयर के बदले में 1 करोड़ शेयर और इशू कर देता है बोनस 1:1, तो 100 करोड़ की ही नेटवर्थ है कंपनी की और अब शेयर 1+1 करोड़ हो गए। तो देखा जाए तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग नंबर ऑफ शेयर डबल हो गए। अच्छा, कंपनी को कुछ फ्रेश इशू भी लाना था और उससे पैसे भी रेस करना। अब आप बताइए, अगर कंपनी की कीमत 100 रुपये शेयर की है, 100 करोड़ की नेटवर्थ है कंपनी की, 1 करोड़ शेयर है, तो शायद एक शेयर अगर तो डिमांड सप्लाई से होता है तो 100 रुपये पर शेयर होना था। अब अगर कंपनी फ्रेश इशू लाती और शेयर पर पैसा रेस करती तो उसे 100 रुपये मिल जाते 1 शेयर पर, नॉर्मली सब्जेक्ट टू डिमांड सप्लाई। पर अगर कंपनी पहले 1 शेयर और इशू कर दे तो डेफिनेटली अब वो शेयर ही 50 के हो गए, क्योंकि नेटवर्थ वही थी और 1 शेयर और प्रिंट कर दिया 1 शेयर पे दे दिया। अब आप फ्रेश इशू आओगे तो आपको फ्रेश इशू कितने पे लाना पड़ेगा, 50 रुपये पे 1 शेयर आपका। अब लगता है मुझे 50 करोड़ की जरूरत है तो मुझे 1 करोड़ शेयर इशू करना। अब मैंने क्या किया, मेरे 100 शेयर 100 करोड़ की नेटवर्थ थी,
एक प्लस एक दो शेयर हो गए, अब मुझे जरूरत है 50 करोड़ की, लेट्स से तो मुझे 1 करोड़ शेयर और इशू करना, क्योंकि अब शेयर की कीमत 50 हो गई है, तब जाके अब मुझे क्या होगा 1 करोड़ शेयर्स पे 50 करोड़ मिलेगा, ताकि मुझे जो 150 चाहिए वो मेरे। अब तो कई कंपनियां जिनको बोनस और राइट दोनों होता है देना होता है, वो इन दोनों को क्लब कर देती है, वो बोलती है कि भैया आज हमारे शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपये पर शेयर है, हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक राइट इशू दे रहे हैं जिसमें हम उन्हें 2 करोड़ शेयर इशू करते, और वो भी बताए सिर्फ कितने रुपए पे, 25 रुपए पर शेयर पे। इससे यूजर एक्साइट हो जाता है, बोले वाओ 100 रुपए का शेयर 25 रुपए में मिलेगा, तो इससे फटाफट क्या होता है, जो ज्यादा नहीं सोचते वो सब्सक्राइब कर लेते हैं। कंपनी को 50 करोड़ मिल गए पर 2 करोड़ शेयर इशू हो गए, ऐसे भी कंपनी को 1 करोड़ का बोनस देना था, बोनस देने के बाद 50 करोड़ रेस करने के लिए ऐसे भी 1 करोड़। तो कंपनी क्या है, ये सब बैकग्राउंड में बिहाइंड द स्टेजेस है, ये बताएगी नहीं, वो ऐसा दिखाएगी। तो ऐसा मानते हैं कि राइट में बोनस कंपोनेंट छुपा हुआ है। अब कैसे निकाला जाता है बोनस कंपोनेंट, तो बोलते हैं कि सबसे पहले आप एक थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालो, विच इज एग्जिस्टिंग शेयर जितने भी आपके हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, मेरे एग्जाम्पल में 100 करोड़ प्लस जो राइट इशू आपने किया इनटू जो राइट प्राइस है, यानी कि यहाँ पे 2 करोड़ शेयर एट 25-50 करोड़, तो 100 प्लस 50 150 करोड़ हो गया, और डिवाइड कर दो आप इसके एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर और राइट इशू से, तो अभी मेरे 3 करोड़ शेयर हो गए, तो इसका मतलब मेरी थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस हो गई 50 रुपये। अब बोनस एलिमेंट निकालना क्या है, बहुत सिंपल है, मेरे शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर बोनस कितनी हो वो मुझे निकालना पड़ेगी, डिवाइडेड बाय जो थियोरेटिकली मेरे शेयर की प्राइस होना चाहिए थी इनटू एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स जो मेरे हैं, ये जो आपकी वैल्यू आएगी ये आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इसको माइनस कर दीजिए एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स से, दिस इज समथिंग विच इज बस, आपके शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू क्या हो गई है डिवाइडेड बाय आपने, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो प्राइस निकाली थियोरेटिकली शेयर की प्राइस कितनी होना चाहिए थी, लेट्स से 50, तो डिवाइड कर दीजिए और इसे एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर से आप माइनस, तो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग यू द बोनस कंपोनेंट बस। तो क्वेश्चन में आपको फेयर मार्केट वैल्यू दी जाएगी, वो डिवाइड कर दीजिए आप थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस विच इज नथिंग बट ये जो फॉर्मूला है, और उसको मल्टीप्लाई करो, ये फैक्टर है एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, माइनस कर दीजिए एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स तो आ जाएगा आपका बोनस, वो बोनस शेयर्स आप पूरे साल के लिए आउटस्टैंडिंग मानना, और जो फ्रेश इशू का कंपोनेंट आपने निकाला है उसे आप सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग, यानी जिस दिन से इशू है उस दिन से, क्वेश्चन जब अपन देखेंगे तब इसको कवर। बधाई बधाई बधाई, इसी के साथ विद इन 30 मिनट्स यू हैव कवर्ड होल ऑफ योर बेसिक, नाउ लेट्स मूव ऑन टू डेड। डाइल्यूटेड ईपीएस का क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा तो सबसे पहले उस क्वेश्चन में किसी प्रकार का एक पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होगा, तभी वो डाइल्यूटेड बनेगा। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आज इक्विटी या ऑर्डिनरी शेयर इशूड नहीं है पर आगे जाके इशू हो सकता, जैसे कि कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, इवन शेयर वारंट्स जो बेसिक ईपीएस में काउंट नहीं होते क्योंकि वो इक्विटी शेयर्स नहीं है पर उनके पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो शेयर वारंट्स आर बेरेबल शेयर, सॉरी बेरेबल नहीं बेरर शेयर इंस्ट्रूमेंट। कई बार कॉन्ट्रैक्ट में भी कंटिजेंटली इश्यूएबल शेयर्स के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें लेट्स से मैंने कह दिया कि भाई एक एजेंसी को अपॉइंट कर दिया, बोला कि भैया हमारे बिजनेस की मार्केटिंग करो और स्टोर्स खुलवाओ, और अगर आपने साल भर में 100 स्टोर्स खुलवा दिए तो हमारी कंपनी के 1 लाख शेयर कंटिजेंटली इश्यूएबल। तो ये सब के कारण आपकी कंपनी पे एक ऑब्लिगेशन सा आ चुका है क्या शेयर इशू करने, पर अभी शेयर इशू नहीं हुआ, आगे जाके हो सकता है, तो इसे कहते हैं पोटेंशियल है इसमें ये शेयर बनने का, जैसे आप हो पोटेंशियल चार्टेड अकाउंट। तो क्या होगा जब ये शेयर बन जाएंगे, तो सीधी सी बात है भैया कि कंपनी के आज इतने प्रॉफिट थे जिसको खाने वाले इतने लोग थे, अब लोग बढ़ गए प्रॉफिट उतने ही रह गए, तो डेफिनेटली सबकी झोली में कम पैसा आए, इसे कहते हैं डाइल्यूशन। मतलब सिंपल सा है भाई, सरकार ने बोला है कि हर फैमिली को हम 50,000 की ग्रांट साल में देंगे, और फैमिली का मतलब जो एक घर में रह रहे, अगर उस एक घर में 5 लोग रह रहे थे तो 50,000 टोटल मिलेंगे सबके पास, 10,000 आएंगे शेयर सबका 10,000 होगा। अब अगर कोई छठा आदमी घर में आने वाला है, जब ग्रांट 50,000 आ रही है और कोई छठा आदमी अगर घर में आने वाला है, तो आप एक चीज समझो, सुनना मेरी बात को ध्यान से, सरकार ने हर साल 50,000 रुपये देने का वादा किया है गाँव में चुनाव तक,
पर फैमिली और पर हाउस। आज हमारे फैमिली में घर में 5 लोग थे और 50,000 रुपये मिल रहे थे, 10,000 सबके पास आ रहे थे। अब हमें मालूम है कि अगले साल एक नन्ना मेहमान आने वाला है, तो डेफिनेटली 6 लोग जाएंगे तो वही 50,000 6 लोगों में बटेंगे, तो देयर विल बी अ डाइल्यूशन प्रेशर। उसको भी देंगे क्या? वो जो नन्ना मेहमान है अगर वो एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने में तो हमें उसे कंसिडर करना। क्या बोलते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एलिजिबिलिटी है कि वो ऑर्डिनरी शेयर बन जाएंगे, इस कारण से उनका आगे जाके डिविडेंड में हक बने, वो पोटेंशियल शेयर है जिसे अपन आज ही कंसिडर करेंगे कि यार आने वाले समय में पर शेयर कितना वैल्यू मिलने की। अब भी घर में क्या है, 5 लोग ही लच्चे और हमारे डैड नहीं है, वो गए हुए हैं दुबई और दुबई से आने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर वो आएंगे तो फिर वो भी शेयर लेंगे। पर एक्चुअल में क्या है, इसे 6 में बढ़ जाएगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि डैड यहाँ पर आएंगे तो उस कारण से हो सकता है कि हमारी ग्रांट में कोई चेंज आ जाए। इसका मतलब क्या है सुनिएगा। तो अगर यहाँ पर क्या होता है समझना, घर की 50,000 रुपये की सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, 50,000 रुपये सरकार से ग्रांट मिल रही है, 5 लोग के 10,000 सब में जा रहे हैं, अगले साल डैड दुबई से वापस आने वाले, तो ग्रांट 6 लोगों में बटेगी। पर अभी क्या हो रहा था कि अभी ऑलरेडी हम लोग क्या करते थे, डैड के लिए यहाँ से हम कुछ अमाउंट भिजवाते थे। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें जो सरकार से 50,000 रुपये मिल रहे थे वो एक्चुअल में 55,000 थे, पर 5,000 हम क्या करते थे, डैड को भिजवा देते थे। तो उस कारण से अभी देखा जाए तो 50,000 रुपये की ग्रांट हमारे पास आ रही थी आफ्टर डिडक्टिंग दैट 5,000 रुपीज। अब जैसे ही डैड आएंगे तो क्या हो जाएंगे, 6 लोग हो जाएंगे, पर ग्रांट भी 55 हो जाएगी, यानी यहाँ जो सेविंग्स हो जाएगी वो 55 हो जाएंगी। हालांकि फिर भी पर पर्सन मेरा अमाउंट जो मुझे मिलेगा वो कम हो जाएगा। तो डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब क्या होता है, आज कंपनी के इतने प्रॉफिट है और इतने शेयर में बट रहे। अगर शेयर और करने आ गए लोग और प्रॉफिट उतने ही रहे तो डेफिनेटली सारे शेयर को कम मिलेगा। हो सकता है कुछ और लोग शेयर करने आ गए तो प्रॉफिट थोड़े बढ़ गए, जैसे कि कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में जब डिवेंचर कन्वर्ट होंगे तो ऑर्डिनरी शेयर बढ़ जाएंगे, पर थोड़े से प्रॉफिट अट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर भी बढ़ेंगे क्योंकि उसके ऊपर ब्याज बचेगा। तो ऐसे केस में हो सकता है डाइल्यूशन हो सकता है। तो अब मेरे एग्जाम्पल में समझिए कि हमें जो गवर्नमेंट ग्रांट मिलती थी लच्चे वो 70,000 है, जिसमें से 20,000 डैड की चली जाती थी दुबई, फैमिली को नेट बचती थी 50,000 जो 5 मेंबर्स में बांट दी जाती थी। नेक्स्ट ईयर डैड आने वाले हैं तो ये 5 की जगह हमारे नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स 6 हो जाएंगे दोस्तों, पर यहां 50 की बजाय अब 70 बटेगा। तो यहां पे सबको 10,000 आ रहा था, यहां पे अब देखा जाए तो सबको 11,000 प्लस आएगा, 6 लोग हुए। तो इसका मतलब उनके आने से यहां पे डाइल्यूशन नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसे बोलते हैं एंटी डाइल्यूट। ये नॉर्मली तब होगा जब अर्निंग पर शेयर की आपकी बहुत कम है, अर्निंग और डिबेंचर पे ब्याज ज्यादा है, उसके कन्वर्ट होने से बचत ज्यादा हो रही है रादर देन उसका जो इंडेक्स कहता है कि आपके पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स को अगर आप बांटने जाओगे तो उसको आप प्राइमरी 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कन्वर्ट होंगे प्रेफरेंस या डिबेंचर्स से ऑर्डिनरी शेयर्स में, जिसमें नॉर्मली कन्वर्जन पे कोई सेविंग होगी क्योंकि इसके ऊपर आप कोई ब्याज डिविडेंड देते होगे जो माइनस होता होगा अभी आपके न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर आपका सुधरेगा क्यों, क्योंकि सेविंग्स होंगी ब्याज की है तो पोस्ट टैक्स। ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल है इनमें यानी कि कन्वर्टेबल है तो आगे जाके ऑर्डिनरी शेयर बढ़ सकते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, हालांकि इससे पैसे कुछ भी नहीं आ रहे, इट इज जस्ट कन्वर्जन। दूसरी कैटेगरी है शेयर वारंट्स, इसमें बस सामने वाले की जब इच्छा है वो बोलेगा कि भैया इसके बदले मुझे शेयर इशू कर, यानी ना तो कंपनी के पास किसी प्रकार का कोई पैसा आने वाला है ना ही कंपनी की कोई सेविंग्स होने वाली है, इट इज दैट के डिनोमिनेटर सेविंग्स रखता है, अगर उसको इस साल कोई डिविडेंड पे किया था माइनस किया था होगा वो एड बैक हो सकता। तीसरी कैटेगरी होती है ईसॉप्स, कि भाई 3 साल बाद एम्प्लॉय को हम क्या करेंगे ईसॉप देंगे। अब ऐसी सिचुएशन में ये एम्प्लॉय को आज ही हमने ईसॉप दिया और बोला है 3 साल में कभी भी ले ले, अब कंपनी को तो देना पड़ेगा सामने वाला मांगेगा। अब ऐसी सिचुएशन में जब हम उसको ईसॉप देंगे तो ऐसा नहीं है कि ईसॉप दे रहे हैं तो बदले में कुछ भी नहीं आएगा, ईसॉप देने से हमारे पास थोड़े पैसे आएंगे एक्सरसाइज प्राइस, कल के रिविजन में देखा होगा आपने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, बट डेफिनेटली इससे न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि जो खर्चा हिसाब का पहले बुक हो चुका है वो हो गया, वो तो अब आगे और नहीं होना था, ऐसे भी सब खत्म हो गया। और एक चौथी कैटेगरी है कंटिजेंटली इशूएबल शेयर, जिसमें कंटिजेंसी पूरी होने पर शेयर इशू होंगे, यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर बढ़ेगा फंड्स और न्यूमरेटर पे नॉर्मली इसका कोई इम्पैक्ट
इनमें से स्टैंडर्ड कहता है सिर्फ ये वाले हो सकता है डाइल्यूटिव या एंटी डाइल्यूटिव, बाकी सारे तो हमेशा ही डाइल्यूटिव होंगे, प्रोवाइडेड कंपनी का बेसिक अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव। बेसिक नेगेटिव है तो नेगेटिव बेसिक ईपीएस को डाइल्यूटेड ईपीएस मान लेना। मैं आपको डाइल्यूटेड ईपीएस के थोड़े प्रिंसिपल बता दूं। सबसे पहली चीज, डाइल्यूटेड ईपीएस का बेसिक उद्देश्य ये बताना है कि आपके बेसिक ईपीएस में पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर अगर कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या इंपैक्ट आता है। ये बेसिक ईपीएस से कम ही होना चाहिए, लॉस के केस में ये कम होगा। देखो लॉस 100 करोड़ का 1 करोड़ बांट रहे, अब 1 करोड़ और आ गए तो लॉस पर शेयर कम हो रहा है, तो ये बेहतर है। -2 is less than -1 या -1 is greater than -2। बेसिक रूल क्या है कि डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक से ज्यादा नहीं हो सकता, हो रहा है तो बेसिक को डाइल्यूटेड में डिस्क्लोज। वैसे केस में इन्हें एंटी डाइल्यूटिव माना जाता है। एंटी डाइल्यूटिव कौन से होते हैं, जिससे हमारे अर्निंग पर शेयर कम होने की बजाय बढ़ रहा है या लॉस पर शेयर बढ़ने की बजाय कम हो रहा है, और पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर जो फ्यूचर में कन्वर्ट। बेसिक प्रिंसिपल अपन ने देखा, डाइल्यूटेड हमेशा बेसिक से कम ही होगा। जब आपके पास पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर में मल्टीपल ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी शेयर है, तो आप ये देखना कि कौन से ऑप्शन में मैक्सिमम पॉसिबल डाइल्यूशन होता है वो लेना। जैसे कि मैंने किसी को बोला है कि भाई अगर तूने हमारे 100 रिटेल साइट खोल दी, या लेट्स से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय को सिंपल सा बोल रखा है कि तेरे पास ऑप्शन है कि तू 100 शेयर ले ले या 1 साल रुक के 150 ले ले, तो आप क्या सोचना वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने ले सकता है, उसको डाइल्यूटेड ईपीएस में कंसिडर करना, यानी 150। डाइल्यूटेड ईपीएस एक फोरकास्टेड ईपीएस नहीं है कि अगले साल क्या प्रॉफिट होंगे और क्या शेयर होंगे। इस साल के प्रॉफिट में अगर सारे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर साल के शुरू से ही कन्वर्ट हो गए, या जब से इशू हुए तब से ही कन्वर्ट हो गए होते इक्विटी में, तो इस साल का ईपीएस क्या होता है, ये है डाइल्यूटेड। इसलिए हमेशा बेसिक ईपीएस को बेस लेके डाइल्यूटेड ईपीएस निकाला जाता है, और पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर को भी वेटेड एवरेज बेसिस पे कंसिडर किया जाता है, ग्रॉस बेसिस पे कंसिडर। यानी अगर आपने साल के बीच में 6 महीने बाद कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए, तो न्यूमरेटर में उसका ब्याज भी आपका प्रॉफिट निकालते समय 6 महीने का ही माइनस हुआ। तो जब आप डाइल्यूटेड ईपीएस निकालोगे तो आप उसको न्यूमरेटर में उसका जो ब्याज 6 महीने का माइनस हुआ है वो एडबैक करोगे, ये सोच के कि डे 1 पर ही अगर वो इक्विटी शेयर होते हैं तो ये ब्याज नहीं लगता, और डिनोमिनेटर में भी फिर आप इक्विटी या ऑर्डिनरी शेयर उसे 6 महीने के लिए ही मानोगे। क्यों? क्योंकि वो इशू ही 6 महीने। यानी डिनोमिनेटर में तो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर हो या ऑर्डिनरी शेयर हो, हमेशा वेटेड एवरेज। हाँ, तो आपको करना क्या है, तो ये सारी कैटेगरीज के केस में कैसे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स को कंसिडर किया जाता है डाइल्यूटेड ईपीएस में, ये सब कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है। तो सबसे पहले एक अपन कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, विद कैटेगरी 1 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, 2 लाख रुपए के कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, 20,000 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऑलरेडी कंपनी में 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स दिया है, ना कि प्रॉफिट आफ्टर, यानी इसमें ब्याज माइनस नहीं। आपसे पूछा है कि भाई एक बात बताओ, अगर डिबेंचर साल भर आउटस्टैंडिंग रहे तो अर्निंग पर शेयर क्या आनी चाहिए। अगर डिबेंचर आपके साल भर आउटस्टैंडिंग रहेंगे तो देखो, सबसे पहली बात, आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए में 20,000 रुपए का ब्याज लग जाएगा, जिसके ऊपर आपको टैक्स 30% से 24,000 पे करना है, तो 56,000 आपकी अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर या प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। कंपनी के शेयर्स कितने हैं, 20,000, तो ये बेसिक ईपीएस आ गया 2.8। अब आपको ये सोचना है कि अगर ये शुरू से ही ऑर्डिनरी शेयर होते तो क्या होता, तो पहली बात तो ये वाला ब्याज नहीं लगता, और फिर उस केस में आपका टैक्स भी 1 लाख पे 30,000 रुपये का लग जाता, तो इसलिए आप पोस्ट टैक्स सेविंग निकालते हो कि 20,000 का 70% मेरी सेविंग होती है, यानी 14,000 की सेविंग हो जाती, तो मैं 14,000 की पोस्ट टैक्स सेविंग ऐड कर, तो मैं बोलूंगा कि मेरा न्यूमरेटर कितना आ रहा था 56, उसकी बजाय कितना आता 70 आ जाता, सीधी सी बात है 1 लाख माइनस 30%। और डिनोमिनेटर मेरे अभी शेयर्स कितने हैं 20,000, पर मैं ये मान रहा हूँ ये 20,000 भी साल भर के लिए आउटस्टैंडिंग रहते तो वो 40,000 हो जाते, ये मेरा डाइल्यूटेड ईपीएस है। ये दिखा रहा है कि करंट परफॉर्मेंस ही अगर आगे कंटिन्यू हुआ और ये डिबेंचर कम वक्त कन्वर्ट हो गया अगर इक्विटी शेयर में, तो मेरी कंपनी का ईपीएस धड़ाम करके गिर जाए। अब सपोज कभी केस 2 में बोला गया है कि डिबेंचर हमने साल के दौरान इशू किए 1 जुलाई 2023, यानी कि आफ्टर 3 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द, और साल के अंत तक ये डिबेंचर कन्वर्टेबल डिबेंचर आउटस्टैंडिंग रहे, तो इस पे ब्याज 9 मंथ्स का लगा होगा 15,000, तो इससे आपका ये
पाउच आया होगा, ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो ये बेसिक ईपीएस है, डेफिनेटली ये बेसिक ईपीएस इससे ज्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पे आपने कम समय के लिए लोन डिबेंचर्स रेस किए, प्रॉफिट ज्यादा अपने को फर्स्ट और सेकंड कंपेयर नहीं करें। अब डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते समय आप क्या बोलोगे कि भाई अगर ये नहीं होता तो 15,000 रुपए की ब्याज नहीं लगती, हालांकि फिर उस पर टैक्स सेविंग भी नहीं होती, तो इसका 70% यानी कि 10,500 रुपए का मेरा न्यूमरेटर बढ़ जाता। पर डिनोमिनेटर को अब मैं बढ़ाऊंगा ये सोच के कि शुरू से ही ये कन्वर्ट होकर इक्विटी हो गए होते तो क्या होता, फर्स्ट जुलाई से ये इक्विटी होते, तो ये साल भर के लिए मैं डिनोमिनेटर में शामिल नहीं करूंगा, सिर्फ 9 मंथ्स के लिए, विच इज 20,000 × 9/5। सिमिलरली आपको एग्जाम्पल दिए गए कि अगर ये इक्विटी में कन्वर्ट होगा ड्यूरिंग द ईयर या रिडीम होगा ड्यूरिंग द ईयर, तो इन सभी केसेस में क्योंकि आपका बेसिक ईपीएस से कम डाइल्यूटेड ईपीएस आ रहा है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर डाइल्यूटिव है, इसको बढ़ जाता। ऐसा तब हो सकता था जब अर्निंग पर शेयर बेसिक अर्निंग पर शेयर बहुत कम है, रिटर्न डिबेंचर होल्डर पे ज्यादा है तो कन्वर्जन में फायदा है, वैसी सिचुएशन में फिर डेफिनेटली आपका बेसिक ईपीएस से ज्यादा डाइल्यूटेड होता तो आप लिखते हैं कि ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर यानी एंटी डाइल्यूटिव है, हेंस इसका इफेक्ट बेसिक ईपीएस से डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने में नहीं दिया जाएगा, हेंस जो बेसिक ईपीएस का फिगर है वो लिख दोगे आपकी यही डाइल्यूटेड। चलिए तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब अपन आते हैं मल्टीपल पोटेंशियल, इनफैक्ट सॉरी, ये अपना एक कैटेगरी हुआ है, कौन सा वाला, पहला वाला। दूसरी कैटेगरी शेयर ऑप्शंस हैं, जैसे कि ईसॉप्स या कुछ, जिसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है। और वो क्या है, शेयर ऑप्शन में क्योंकि आपके पास फंड्स आ रहे हैं, इसलिए एक चीज समझना, डाइल्यूटेड ईपीएस का कंसेप्ट कहता है कि अगर एक कंपनी के आज एक शेयर्स पे वो वाई प्रॉफिट कमाए और अगर वो आज और शेयर्स मार्केट वैल्यू पे इश्यू करती है तो वो डाइल्यूशन का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि नए शेयर पे पूरा पैसा आप ले रहे हो, उस पैसे से आप आगे प्रॉफिट भी कमाओगे। तो अगर कोई क्वेश्चन में आता है कि कंपनी ने प्लान किया अगले साल 1 करोड़ शेयर और इशू करने वाली, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, शेयर इशू करेंगे तो उसके बदले में पैसे आएंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, मुझे प्रोजेक्ट नहीं करना ईपीएस क्या हो। लेकिन कंपनी ने किसी को वादा किया है कि मैं तुझे 1 करोड़ शेयर्स दूंगा और उसके बदले में मैं तुझसे 0.5 करोड़ के पैसे लूं, तो मिनट के लिए राइट नहीं है ऐसा मानो आप ईसॉप। ऐसे केस में क्या हो रहा है दोस्त, डाइल्यूशन का कारण आप जो उसे 1 करोड़ शेयर इशू कर रहे हो सारे 1 करोड़ शेयर नहीं है, क्योंकि आधे का पैसा आप ले रहे हो आधे का नहीं ले रहे हो, जिसका नहीं ले रहे हो वो डाइल्यूशन का कारण। इसके लिए स्टैंडर्ड कहता है कि कोई भी ऐसा ऑप्शन है जहां पे आप एक्सरसाइज प्राइस चार्ज करके शेयर इशू कर रहे हो तो वो डाइल्यूटिव तभी होगा जब आपकी एक्सरसाइज प्राइस उसकी एवरेज फेयर मार्केट वैल्यू से कम है। एवरेज फेयर मार्केट वैल्यू यानी शेयर की साल के दौरान क्या फेयर वैल्यू रही थी, पिछले 3 महीने की एवरेज आपको यूजुअली लेना चाहिए, सॉरी साल भर का एवरेज आपको यूजुअली लेना चाहिए, नहीं हो तो 3 महीने अवेलेबल है, 3-6 महीने अवेलेबल। आप ये देखिए कि फेयर मार्केट वैल्यू शेयर की क्या है और एक्सरसाइज प्राइस क्या है। तो अगर शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है 20 और एक्सरसाइज प्राइस आपने दी है 15, तो डाइल्यूशन का कारण ये 5 रुपए। अगर आप ऐसे 1 करोड़ शेयर इशू कर रहे हो तो डाइल्यूशन का कारण ये पूरे 1 करोड़ शेयर्स नहीं है, 1 करोड़ शेयर्स में से सिर्फ 25 लाख शेयर्स हैं जो डाइल्यूशन का कारण, क्योंकि बाकी 75 लाख के आपको पूरे पैसे। आप बोलोगे सर ये तो राइट इशू जैसा हो गया, नहीं, ये ऑप्शंस और राइट इशू में बहुत फर्क होता है। राइट इशू में हम शेयर होल्डर को दे रहे हैं तो उनको एक तरह से बोनस दे रहे हैं, और ऑप्शंस में नॉर्मली हम शेयर होल्डर को नहीं दूसरों को देते तो हम उनको बोनस नहीं देते, उनसे दूसरा कोई कंसिडरेशन ले सकते हैं। प्लस जैसे ईसॉप्स होता है तो उस पर नॉर्मली ईसॉप कोई भी कंपनी इशू करती है तो उसकी शेयर की प्राइस थियोरेटिकली भी चेंज नहीं होती क्योंकि उसका क्वांटम इतना बड़ा। ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर लाइक एन शेयर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम अ राइट इशू। राइट इशू जब होता है तब अकाउंटिंग होती है, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर क्या है जब आगे जाके एक बन सकता है, पर आज हमने इशू कर दिया इसलिए वो आज पोटेंशियल। पर अगर शेयर वारंट है तो आपको कोई एक्सरसाइज प्राइस आनी नहीं है, तो जितने शेयर इशू करने हैं वो डिनोमिनेटर में एड कर दो, ये सबसे
इसमें एक क्रिटिकल और डिफिकल्ट है, कंटिजेंटली इश्यूएबल ऑर्डनरी, इसकी कहानी समझ लो बहुत ध्यान से। इसी कॉन्ट्रैक्ट में मैंने कहा है ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें उदाहरण के तौर, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं 10,000 शेयर डायरेक्टर को इश्यू करूंगा एक कॉन्ट्रैक्ट में डेटेड 1/7/2021, प्रोवाइडेड शेयर की प्राइस 120 रुपए या उससे ज्यादा हो 30 जून 2022 में। यू कैन से लाइक नहीं सब तो कंटिजेंटली इश्यूएबल अगेंस्ट नो कंसिडरेशन कैश, पैसे कुछ नहीं लूंगा, शेयर की प्राइस 120 या उससे ऊपर पहुंचा दे मेरा डायरेक्टर तो उसे मैं क्या करूंगा 10,000 शेयर इशू कर दूंगा। ऐसा मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑन कैंसिल विल 1 जुलाई 2021 को कर दिया। फाइनेंशियल ईयर आपका 2021-22 है, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब शेयर की प्राइस 100 थी, टारगेट डायरेक्टर को 120 का दिया है, 30 जनवरी को वो 120 पर पहुंचा चुका है शेयर को, एज इन कंपनी का शेयर हो गया है, और 31 मार्च को आपका शेयर 125। हालांकि शेयर की प्राइस 30 जून पे 120 है उससे ज्यादा होगी तो उसे शेयर मिलेगा डायरेक्टर को, नहीं तो नहीं। आपको बोला है कि आप बेसिक और डायल्यूटेड ईपीएस 21-22 का निकालो, अगर आपको प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डनरी शेयर 50,000 दिया है और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डनरी शेयर 40,000 दिए हैं, पोटेंशियल ऑर्डनरी शेयर आपको निकालना। सबसे पहली बात, हो सकता है आपको ये लगे कि 31 मार्च पे क्योंकि शेयर ऑलरेडी 120 क्रॉस कर चुका है तो इसका मतलब डायरेक्टर को शेयर देना तो तय है, और तय है तो फिर बेसिक ईपीएस में ये शेयर काउंट कर लेना चाहिए, पर इशू नहीं हुआ है तो शायद डायल्यूटेड में काउंट कर रहे होंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। अभी भी ये कंटिजेंटली इश्यूएबल है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में बोला है कि शेयर की प्राइस 120 रुपए 30 जून को होना चाहिए, यानी अगर शेयर की प्राइस 29 जून तक भी 125 रही और 30 जून के दिन शेयर की प्राइस 115 हो गई तो डायरेक्टर को नहीं मिले। अगर ऐसा बोलते थे कि जिस दिन शेयर की प्राइस 120 क्रॉस कर देगी उस दिन हम तुम्हें क्या करेंगे शेयर्स दे देंगे, तो फिर हम बोलते हैं कि भैया अब तो ये शेयर इशू करने वाले हो गए, ये 30 जनवरी को ही इशू कर देना थे तो उस दिन से बेसिक में ही काउंट हो जाता, क्योंकि अब तो शेयर देना ही, अब आप देखो कितने भी समय में देना तो तय, अब आप बच ही नहीं सकते, फिर बेसिक में ही। तो सबसे पहली चीज, कंटिजेंटली इश्यूएबल शेयर्स में अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि इशू करना तय है, फिर भले ही अभी आपने तो आप उसे जिस दिन कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हो जाए उस दिन बेसिक ईपीएस में शामिल कर लेना, बेसिक में यानी कि ऑर्डिनरी शेयर में शामिल होगा, और बेसिक से डायल्यूटेड निकलता है तो ऑब्वियस सी बात है डायल्यूटेड में भी वो डिनोमिनेटर में शामिल ही रहे। पर अगर अभी कंडीशन सेटिस्फाई पूरी तरह से नहीं हुई है कि इश्यू होना तय है तो उस पर्टिकुलर केस में इंडेस कहता है कि बेसिक ईपीएस में से काउंट मत कर, नंबर वन। नंबर टू, डाइल्यूटेड ईपीएस में इसे आप काउंट करोगे अगर ईयर एंड पे जो पोजीशन है आप ये माने कि वो सेम पोजीशन जिस दिन कंटिजेंसी मीट करना है उस दिन रहती तो क्या शेयर इशू हो जाता। तो ईयर एंड की पोजीशन है शेयर 125 है, यही कंटिजेंस यही पोजीशन अगर 30 जून को रहेगी तो क्या शेयर इशू हो जाएगा? हाँ हो जाएगा सर। तो फिर आप इसे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर मान के डाइल्यूटेड ईपीएस के डिनोमिनेटर में शामिल करें। अगला सवाल, कब से? जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंटली इश्यूएबल शेयर का एंटर किया था, ना कि जिस दिन वो कंडीशन या वो बेंचमार्क या वो पर्टिकुलर प्राइस क्रॉस हुई है, मीट हुई। यानी इस एग्जांपल में क्योंकि 31 मार्च की पोजीशन 30 जून पे रही तो शेयर इशू होंगे तो पॉस में शामिल होगा। कब से होगा? जब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि 1 जुलाई 2021 से, ना कि 30 जनवरी 2020। डाइल्यूटेड ईपीएस विल बी न्यूमरेटर 50,000, डिनोमिनेटर वेनोस में 40 प्लस 10,000 फॉर 9 मंथ्स व्हिच इज फ्रॉम 1 जुलाई टू 31st। यस, तो इसे डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से इशू किया जाए, शामिल किया जाएगा, ना कि टारगेट मीट होने से। सपोज शेयर की प्राइस 119 रुपए ही रहती 1 जुलाई 2021 पे, अरे 1 जुलाई को जो कॉन्ट्रैक्ट इशू किया उसकी प्राइस 31 मार्च 2022 पे 119 रुपए थी, यानी 100 रुपए थी शुरू में और अब 119 हो गई। 30 जून को कितनी होना चाहिए? 120 या उससे ज्यादा, क्या अभी 119 है? हाँ, 31 मार्च 2022 को जब आप बेसिक ईपीएस निकाल रहे हो तो कंसीडर मत करना, डाइल्यूटेड में क्या करो? ये मत सोच बैठना कि यार 9 महीने में शेयर 100 का 119 हो गया तो अगले 3 महीने में भी इतना तो बढ़ ही जाएगा कि 120 क्रॉस कर दे, यानी कि इट इज हाईली प्रोबेबल कि ये हो जाएगा।
तो मैं मान लेता हूँ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर इशू होगा। कंटिजेंटली इशूएबल शेयर में रूल दे रखा है कि जो पोजीशन 31 मार्च पे, वही अगर आपका जो डेट है जिस दिन डिसाइड होना है, कंटिजेंसी पूरी होनी है, तो आप ये देखो कि क्या आज की पोजीशन में कंटिजेंसी मीट हो रही है क्या एज इट इज। अगर हो रही है तो आप पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर में मार। आज की डेट में कंटिजेंसी मीट नहीं हो रही है तो ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते समय जीरो काउंट करा, यानी बेसिक ईपीएस ही डाइल। यस, तो ये दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट है कंटिजेंटली इश्यूएबल ऑर्डिनरी शेयर्स का, और इसी के साथ आपका किसका डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। किस तरह से आप, अगर आपके कोर्स सॉरी क्वेश्चन में कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट या ऑप्शन या वारंट या कंटिजेंटली इश्यूएबल शेयर आता है तो आप कैसे उससे डाइल्यूटेड। इन सब के बाद हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में दो तीन तरह के पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है, जिसे बोलते हैं क्वेश्चंस विद मल्टीपल पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। आइडली ये 3E होना चाहिए और ये 3F। सर ये किताब कौन सी यूज कर रहे हो? नहीं ब्रह्मास्त्र आ रही है, नए कोर्स नहीं, नए कोर्स के लिए कि नवंबर के लिए, नवंबर के लिए, नवंबर के लिए कि मई के लिए? अरे यार ड्रोन चार्ट और बोर्ड नोट्स का मिश्रण है। आप अपनी किताब कॉपी जहां से भी आपने पढ़ा वहां से रिवाइज करो, कोई दिक्कत नहीं। स्टडी मटेरियल से भी करोगे तो सीक्वेंस ऊपर नीचे होगा, कवरेज पूरी होगी अपनी। अब यहां पे देखो, अगर आपकी एक ही क्वेश्चन में शेयर वारंट भी है, ईसॉप्स भी है, कन्वर्टेबल डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर भी है, तो ऐसे केस में एक जनरल प्रिंसिपल ये समझना दोस्तों कि सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैंने क्या बोला था, 50,000 रुपए आ रहे हैं, 5 लोगों में बट रहे हैं, सबको 10,000 मिल रहे हैं। अगले साल घर में एक नन्ना मेहमान आ रहा है, कंटिजेंट है क्या? चलो वो छोड़ते हैं अभी, तो 6 में बटेंगे सपोज, तो उस लॉजिक से 8,333 हो जाएंगे डाइल्यूशन। इसके अलावा डैड हमारे बाहर से आने वाले, उनके आने से क्या होगा, 5,000 बढ़ जाएंगे और लोग 7 हो जाएंगे, तो इस कारण से ईपीएस हमारा क्या हो जाएगा, 55,000 7 लोगों में बटेगा तो सबको इतना मिलेगा। सपोज मॉम भी हमारे बाहर गई हुई है, वो भी आ रही है, और अभी ऐसा है कि अगर वो आएंगी तो इससे वी आर बेसिकली गोइंग टू गेट एडिशनल 9,000 रुपीज एक्स्ट्रा ग्रांट, लोग 8 हो जाएंगे, तो टोटल इससे अब हमारा 64 कमाई हो जाएगी फैमिली की, और लोग कितने हो जाएंगे, 8,000 हो गया। फॉर्म के आने से अगर मैं देखूं तो क्या हो रहा है, पर पर्सन जो पैसा मुझे मिल रहा था वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि भैया मॉम के आने से डाइल्यूशन नहीं हो रहा है, डैड के आने से हो रहा है। पर अगर सपोज ये सब देखने की बजाय आप यहीं पर मॉम का एडिशन ऐड करवा देते हैं कि भैया 50,000 5 लोग हैं, मॉम आएगी तो 50 के कितने हो जाएंगे, तो 9,000 रुपये मॉम आने से सरकार ग्रांट ज़्यादा देगी, तो ये 59,000 हो जाएगा और लोग हो जाएंगे 6, तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, 9,833। तो ये देख के लगेगा कि ओ माय गॉड ये तो डाइल्यूटिव है, और फिर उसके बाद अगर आपने ये दोनों को भी कंसिडर किया तो फिर आपका फाइनली डाइल्यूटेड ईपीएस जो आएगा वो 8 रुपये आएगा, जबकि सही महीने में देखा जाए तो आपका सॉरी डाइल्यूटेड ईपीएस 8,000 पे चले जाएगा, जबकि वो 7,857 पर भी जा रहा था। इंडेक्स का एक बेसिक रूल और लॉजिक ये है कि अगर मल्टीपल कैटेगरी ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं जिनसे ईपीएस आपके डाइल्यूट हो सकते हैं, तो आपको वो ईपीएस दिखाना है जो लोएस्ट पॉसिबल ईपीएस, और उस लारे को लाने के लिए एक बेसिक रूल है कि आप सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा डाइल्यूटेड ईपीएस है उससे डाइल्यूट। हम क्लास में इसको ऑफिस में चाय बनती है उसके एग्जांपल से समझाते हैं कि भाई चाय बन गई और एकदम से क्लाइंट आ गया और अभी उकाला आ ही रहा था चाय में, तो वैसे ही जैसे ही क्लाइंट आया वैसे ही क्या हुआ, पानी और डल गया, डाइल्यूशन। फिर भाभी जी आ गए, एज एन सर की वाइफ आ गई, तो वो आती हैं तो नॉर्मली वो क्या उनको मालूम है कि वो आती है चाय पीती है, और वो अपना बढ़िया वो गोल्ड वाला मिल्क लेकर आती है बढ़िया मलाई मार के, तो उनके आने से क्या होता है, एंटी डाइल्यूशन होता है क्योंकि दूध की मात्रा एकदम बढ़ जाती है और पानी की मात्रा कम हो जाती है। पर ऐसे कुछ मिल्क लेके आ गए, कुछ खाली आ गए, तो इन सब में आपको कंसिडर कैसे करना है, तो सबसे पहले कहते हैं क्या कि आप सबसे पहले जो मैक्सिमम पॉसिबल डाइल्यूशन है वो वाले से शुरू करो,
तो इससे आपका जो लोएस्ट पॉसिबल ईपीएस है ना वो दिखेगा, वही आपको डिस्क्लोज। इसके लिए आपको एक रैंकिंग देना पड़ती है डाइल्यूशन की, वो कैसे निकाली जाती है, आपको चेंज इन न्यूमरेटर अपॉन चेंज इन डिनोमिनेटर के थ्रू रैंकिंग निकालना। आप हर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर में देखोगे न्यूमरेटर कितना चेंज हो रहा है और डिनोमिनेटर कितना चेंज हो रहा है, और चेंज इन न्यूमरेटर अपॉन चेंज इन डिनोमिनेटर का रेशियो जिसका कम उसका डाइल्यूशन सबसे ज्यादा, उससे सबसे पहले। आप तो रट्टा लगाना हो तो सीधे ये लगा लो कि ये तीनों हमेशा क्या होंगे, मोस्ट डाइल्यूटिव, क्योंकि इनमें न्यूमरेटर बढ़ ही नहीं रहा है, यानी ये आते हैं तो पानी बढ़ता है, चाय में दूध नहीं बढ़ता है, डाइल्यूटी होती है। या यू कह लो कि इनमें न्यूमरेटर किसी भी केस में नहीं बढ़ रहा है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप कंटिजेंटली में हो सकता है कुछ और कंडीशन हो, पर इसमें न्यूमरेटर बढ़ता नहीं, तो सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ईपीएस कम ही होना। इट इज ओनली इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी जहां पे एंटी डाइल्यूशन का रिस्क होता है, क्योंकि इनके कन्वर्ट होने से कुछ प्रॉफिट भी बढ़ते हैं और कुछ शेयर भी बढ़ते हैं। प्रॉफिट ज्यादा रेशियो में बढ़ गए तो ईपीएस बेहतर हो जाएगा, तो एंटी डाइल्यूटिव। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली आपको ये चेक करना पड़ता है, पर आपको एग्जाम में दिखाने के लिए सब पे चेंज इन न्यूमरेटर अपॉन चेंज इन डिनोमिनेटर रेशियो, जिसका जीरो रेशियो है वो सबसे पहले डाइल्यूशन में आएगा। दो तीन जीरो हो गए तो आप किसी भी ऑर्डर में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में जिसका सबसे कम है वो पहले लेना, फिर अगले लेना, जहां भी आपको लगे कि आपका हर स्टेप पे डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना, जिस स्टेप पे आपका डाइल्यूटेड ईपीएस बढ़ गया उस स्टेप पे आप बोलोगे पिछले स्टेप वाला ईपीएस ही हमारा डाइल्यूटेड। तो ये आपको मल्टीपल पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स अगर कभी आ जाए उसमें इस तरह से हैंडल कर। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट होता है और वो ये होता है कि किसी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर को डाइल्यूटेड तब माना जाता है जब उस पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर से क्या कम हो रही है, बेसिक अर्निंग पर शेयर या अर्निंग पर शेयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब आपकी कंपनी में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस भी मौजूद है। कौन से ऑपरेशंस भी मौजूद है बेटा? डिसकंटिन्यूड बोलते हैं, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस भी। तो सवाल ये उठता है कि सर डाइल्यूटिव किसे मानेंगे, क्योंकि यहां पे तो तीन बेसिक ईपीएस होंगे मेरे पास, कंटिन्यूइंग, डिसकंटिन्यूड और ऑल। तो डाइल्यूटिव एंटी डाइल्यूटिव क्या तीनों पे चेक करना है क्या? नहीं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट डाइल्यूटिव है या नहीं है ये आपको सिर्फ कंटेनिंग पे चेक कर लो। अगर एंटी डाइल्यूटिव निकला तो तीनों में कंसिडर मत करना, डाइल्यूटिव निकला तो तीनों में कंसिडर। तो इसके साथ आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, ये डाइल्यूटेड ईपीएस का आपका पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। अनदर 30 मिनट्स ऑन दैट, और इन सबके बाद में कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं, और ये स्पेशल टॉपिक्स भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इनमें से काफी। नंबर वन, ये मैं बहुत ही क्विकली ब्रीफ में आपको बताऊंगा क्योंकि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन अभी है नहीं। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं और बोनस इश्यू इक्विटी शेयर पे दिया, तो जो डिबेंचर्स हैं उनके ऊपर भी आपको बोनस देना। तो वो हमारी कंपनी के 100 शेयर हैं, 100 डिबेंचर पे शेयर इशू करने थे, आपने 100 शेयर को अगर 100 का बोनस दिया तो ये डिबेंचर्स पे भी आपको 100 का बोनस देना पड़ेगा, ताकि उन लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। नहीं तो शेयर की प्राइस आप बोनस दे के आधी कर दोगे और उनको 100 शेयर ही अगर दोगे तो उनको जो पैसा अदरवाइज मिल रहा था उसका। तो इसलिए अगर कंपनी में क्वेश्चन में कहा जाए कि लिस्टेड कंपनी है, जो नॉर्मली वो कहते नहीं है पीएस के क्वेश्चन में, तो इसलिए अपने को एग्जाम में शायद ही लगेगा। पर अगर कहें और बोनस आए और कन्वर्टेबल डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर पे ये रूल नहीं लगता है सेबी का, डिबेंचर भी लगता है, तो फिर डिबेंचर में भी आप क्या करना, बोनस इश्यू देना, तो उनके भी नंबर ऑफ शेयर होते हैं। अगर आपके ईसॉप अभी वेस्ट नहीं हुए हैं, टू बी वेस्टेड, एक बहुत ही स्पेशल तरह का ट्रीटमेंट होता है जिसको मैं आपको एक क्वेश्चन से ही समझाता हूँ। 31 मार्च को 3 शेयर ऑप्शन कंपनी ने एम्प्लॉइज को दिया, 10 रुपये एक्सरसाइज प्राइस है, मार्केट वैल्यू 40 है, और 3 साल बाद वेस्ट हो। तो अगर ये वेस्ट हो गया होता तो ये डाइल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होता, और जिस दिन कंपनी का एम्प्लॉई एक्सरसाइज कर लेता उस दिन ये एक्चुअल ऑर्डिनरी शेयर हो जाता, तो उस दिन से बेसिक ईपीएस में आता, उससे पहले से पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर में। अगर वेस्ट हो गया होता तो मैं क्या बोलता कि भाई इसके पास अधिकार है कि ये शेयर 10 में खरीद सकता है जो 40 का है, तो मेरे डाइल्यूशन का कारण क्या बनता? तो कितने शेयर दे रहे हो आप इसको? 3 शेयर, जिसमें मुझे ऐसा नहीं है कि 3 शेयर 0 रुपीज पे इशू हो रहे, 10 रुपये एक्सरसाइज प्राइस मिल रही है, तो 30 रुपये कम मिल रहे। आउट ऑफ 40 आई एम गेटिंग 30, सॉरी आई एम गेटिंग 10, आई एम नॉट गेटिंग 30, तो दैट मीन्स 2.25 शेयर मेरे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं जो डाइल्यूटेड ईपीएस में डिनोमिनेटर में कंसिडर होते। ये लॉजिक होता है ऑप्शन, अपन रिवाइज करते हैं, पढ़ नहीं रहे पहली बार।
बस इसमें ये बोलते हैं कि आप इसको 40 माइनस जो एक्सरसाइज प्राइस ली ना अपने 10, उसके साथ में आप जो उसकी अनअमोर्टाइज्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ईसॉप कॉस्ट है वो भी ऐड कर, फिर डिवाइड बाय 40 विच इज नथिंग बट द फेयर मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ ऑप्शन, खत्म। ये अनअमोर्टाइज्ड हर साल के अंत में कम होती जाएगी जैसे जैसे आपका वेस्टिंग। तो जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टोटल ईसॉप एक्सपेंस तो यहां दिया नहीं है, तो आप लिख लीजिए फेयर वैल्यू पर ऑप्शन इज लेट्स से 30 रुपीज, तो तीन ऑप्शन की हो गई 90 रुपये। जैसे आप 3 साल में खर्चा बुक करोगे तो पहले साल आपने कितना खर्चा बुक कर दिया, 30 out of 90, तो कितना बुक नहीं किया, 60। तो जब आप फर्स्ट ईयर में डाइल्यूटेड ईपीएस निकालोगे तो कैसे निकालना, आप ये कहना कि भैया मुझे 40 रुपये के 3 शेयर के बदले में 10 रुपये 3 शेयर पे मिल रहे हैं, प्लस अनअमोर्टाइज्ड ईसॉप कॉस्ट कितनी है मेरी, 60 रुपये। ये क्यों प्लस किया, इसका लॉजिक ये है कि अब आप एम्प्लॉई से 30 रुपये के अलावा 2 साल की सर्विस और ले सकते हो, ग्रांट डेट पे आप उससे 30 रुपये के अलावा 3 साल की सर्विस ले सकते हैं, जिसकी कीमत कितनी है, ये 90 रुपये निकालिए। तो 1 साल बाद अब अपन ने सर्विस 1 साल की ले ली, 2 साल की लेनी बाकी है, 2 साल बाद 2 साल की ले ली, 1 साल की बाकी है, तो जो रिमेनिंग सर्विस लेना बाकी है दोस्तों वो भी तो मेरा एक कंसिडरेशन है कैश नहीं तो काइंड में, इसलिए उसको ऐड करते हैं और कुछ, तो ये ऐड हो जाएगा डिवाइड बाय एवरेज फेयर मार्केट वैल्यू, यानी 120 माइनस मुझे 30 प्लस 60, 90 रुपये मिल रहे हैं इसके बदले में, 40 का शेयर है तो 30 रुपये ही नहीं मिल रहे हैं 40। ये नंबर ऑफ ऑप्शन से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब सिर्फ 0.75 है, जो क्या होगा फर्स्ट ईयर के एंड पे सिर्फ 0.75 डाइल्यूटेड पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है जो डिनोमिनेटर, ये सेकेंड ईयर में ये 30 की बजाय में क्या ले लूंगा, तो टोटल खर्चा 90 3 साल में बुक होना है, फर्स्ट ईयर में 30 बुक हो गया 60 बचा, फिर सेकंड ईयर में 30 और बुक हो गया तो 30 बचा, तो अगले साल में आप ये मानेंगे कि 1 साल की सर्विस जिसकी 30 रुपये वर्थ है और कैश तो मिलेगी, और लास्ट ईयर में फिर आपको कोई सर्विस नहीं मिलनी है, सिर्फ ये मिलने वाला, तो ये 2.25 पूरा प्लस 0 आएगा, ठीक है। रिवर्स एक्विजिशन अपन चैप्टर ऑफ अमलगमेशन के अंतर्गत देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका मैं आपको एक सिंपल तरीका दे देता हूँ, ज़्यादा इस पर लोड नहीं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई भी ईपीएस का क्वेश्चन आता है, बेसिक ईपीएस कैसे निकालना, जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है पेरेंट की वो प्लस जो सब्सिडरी का बेसिक अर्निंग पर शेयर है या जेवी एसोसिएट जो भी है, इनटू जो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स किसके पास है, वेटेड एवरेज वो भी है ना, विद पेरेंट ऑफ सब्सिडरी। सीधी सी बात है भैया, अर्निंग पर शेयर यानी एक शेयर पे अर्निंग, तो अगर किसी और कंपनी की अर्निंग पर शेयर जोड़ना है मुझे, क्यों, क्योंकि मुझे कंसोलिडेटेड पे निकालना है, तो मेरी सब्सिडरी की अर्निंग पर शेयर 2 रुपये और मेरे पास उसके 1 करोड़ शेयर है, तो मैं बोलूंगा भैया उसकी अर्निंग पर शेयर 2 रुपये, मेरे पास 1 करोड़ शेयर, तो इसका मतलब मेरा उसकी अर्निंग में 2 करोड़ का हिस्सा, और मुझे मेरी पेरेंट के शेयर होल्डर्स की अर्निंग पर शेयर निकालना है, तो इसको आप डिवाइड कर देना वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ पेरेंट्स। तो इसी लॉजिक से आप बताओ डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकालोगे आप, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले आप लिखना डाइल्यूटेड ईपीएस पेरेंट का कितना है, प्लस डाइल्यूटेड ईपीएस ऑफ सब्सिडरी को मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर प्लस पोटेंशियल ऑर्डिनरी, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर प्लस पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर ऑफ पेरेंट, जबकि न्यूमरेटर में कौन सा वाला ऑर्डिनरी और पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है, विथ पेरेंट ऑफ सब्सिडरी। सब्सिडरी के अगर मेरे पास 1 करोड़ शेयर हैं तो मैं वो 1 करोड़ यहाँ पे बात कर, हमारी हो सकता है पेरेंट में खुद में 5 लाख ही शेयर हो, तो डिनोमिनेटर में 5 लाख बस ऐसे निकाल देना, बाकी सब क्या है बायबैक, एज सच कोई क्वेश्चन आया नहीं है तो इसलिए मार्क्स ओरिएंटेड रिवीजन में कवर नहीं कर रहे हैं। डाइल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी अप्रोच में हमेशा ध्यान रखना डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अगर नहीं है तो नॉर्मली जैसा क्वेश्चन सॉल्व करना है कर देना है,
तो कोई डायल्यूटिव है या नहीं है वो हमेशा कंटेनिंग ऑपरेशन पे निकालना, और जो एंटी डायल्यूटिव निकले उसे छोड़ देना, डायल्यूटिव जो निकले वो कंसिडर करके सबके ऊपर आप ईपीएस तीनों निकाल देना, कौन कौन से कंटेनिंग, डिसकंटिन्यूड और कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग एज सच स्पेशलाइज्ड है बहुत ही, आप चाहें तो यहाँ से एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर सब्सिडरी जेबी के मैंने आपको बता दिया उसको कैसे कंसिडर करना है, और एक ये भी क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल्स में, तो जो मैंने छुड़वाए वो सिर्फ इसलिए क्यों, क्योंकि ये अपन कवर करते हैं, क्योंकि इंडेस में स्टडी मटेरियल में, लेकिन इस पर कोई क्वेश्चन है नहीं ना आरटीपी ना एमटीपी ना फास्ट एग्जाम में ना आपके स्टडी मटेरियल, वो मार्क्स ओरिएंटेड में उतना कवर नहीं करता। पार्टिसिपेटिंग इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है, ये वो शेयर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, इसमें सिंपल रूल होता है प्रेफरेंस शेयर अगर पार्टिसिपेटिंग है तो ऑर्डिनरी शेयर्स तो है नहीं, तो उनके कारण से ऑर्डिनरी शेयर का जो हिस्सा है वो चेंज हो जाएगा। कैसे, प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव होते हैं तो पहले उनको हिस्सा दे दो, बचा हुआ पूरा किसका हो गया ऑर्डिनरी का, और अब वो पार्टिसिपेटिंग है तो क्या होएगा, जैसे 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है और पार्टिसिपेटिंग, नॉर्मली कोई भी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इशू किया जाएगा तो उसको बोला जाएगा कि भैया इक्विटी पे इतने डिविडेंड के रेट के बाद तुझे पार्टिसिपेशन मिलेगा। जैसे मैंने कहा आप 10% प्रेफरेंस शेयर हो पार्टिसिपेटिंग, और इक्विटी को 10% डिविडेंड देने के बाद एक्स्ट्रा प्रॉफिट में आपका भी शेयर होगा। तो अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट आने के कारण जो ऑर्डिनरी शेयर्स है ना उनका प्रॉफिट का हिस्सा कम हो जाएगा, तो वो कैसे निकाला जाएगा, तो अगर वो पार्टिसिपेटिंग राइट्स के साथ है तो आप उन्हें क्या करना, ये छोड़ दो, इसको आप ये सब स्किप करो, कन्फ्यूजिंग है। ये देखिए अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है तो पहले उनका जो डिविडेंड का हिस्सा बनता है वो निकाल लो, फिर जो प्री डिटरमाइंड रेट इक्विटी का बनता है वो उन्हें ट्रांसफर उसको दे दो, ये एक्चुअल डिविडेंड नहीं है। तो सपोज कंपनी ने 600 कमाए, हमारी कंपनी के 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 60 रुपीज के, तो 6 उनको दे दिया, फिर हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल है 1000 का और उस पर हमने 500 है और उस पर 10% का रेट है जो डिक्लेयर नहीं किया है, हमने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस को बोला है कि भैया जितना तुम्हारा है उतना उनको देंगे, फिर बचा हुआ पार्टिसिपेट होएगा, तो ये 50,000 हट गया, बचा 44। अब इस 44 में कौन कौन शेयर करेगा, प्रेफरेंस शेयर भी करेंगे और इक्विटी शेयर भी, ऑब्वियसली किस रेशियो में, पेड अप के रेशियो में, तो इनका 60 है और इनका 500 है, तो ये 44 इस रेशियो में बढ़ गया, तो इक्विटी का टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा, 50 उसको यहां से मिला प्लस ये जो शेयर आएगा 60:500 के रेशियो में 44 को बांट के, तो वो 50 प्लस ये जो अमाउंट आए ये उसका न्यूमरेटर। देन यू हैव दीज डिस्क्लोजर्स व्हिच आर ऑब्वियसली नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ये आपका इंडेक्स 33 एक लंबा सा स्टैंडर्ड कवर हो जाता है। थैंक यू।